सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। व्यासं वसिष्ठनर्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्श्रुणु। तो ये सूत्र क्या है? अपने अपने कर्मों में रह जाओ, बैठ जाओ, निष्णात हो जाओ, करते रहो। क्या मिलेगी सिद्धि? सिद्धि मिलेगी, समसिद्धि मिलेगी। कौन सी है सिद्धि? सिद्धि ज्ञान योग्यता प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता पहला प्राप्त करना चाहिए, पहले योग्य बने फिर बाद में ज्ञान मिलती है। तो किम स्वकर्म अनुष्ठानतः एव साक्षात् संसिद्धिः न कथम तर्हि स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा येन प्रकारेण विन्दति तत्श्रुणु। अभी किस प्रकार से सिद्धि मिलती है ये सुनना चाहिए, ठीक है? सूत्र क्या बताया? स्वकर्म अपने अपने कर्मों में ही निरत होने के कारण, माने रत हो, अपने अपने कर्म स्वकर्म अनुष्ठान में ही रहते हुए हाँ व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। सिद्धि यहाँ पे क्या है? योग्यता, योग्यता रूपी सिद्धि मिलती है। ये सच है, आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं। स्वकर्म में ही कर्म आप करते रहोगे अच्छे शुद्ध भावना से, धीरे 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 आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य बनाएंगे भगवान। और ये भी बात है कि जब तक आप योग्य नहीं बनते हैं तब तक आपको ये विचार भी मन में नहीं आता है कि जाके सत्संग सुनना है। कई बार विचार पहले आ जाया, आ गया, मौका भगवान ने मिल देता है सुनने के लिए। माने माहौल बनाने वाला ईश्वर ही है, ये याद रखना कि मैंने पढ़ लिया, मैंने गीता सुन ली, मैं रोज जाती थी वहाँ, मैं रोज सुनती थी, ये अहंकार की बात हो गया। ईश्वर ही करता है सब कुछ, तो ईश्वर ही प्रेरणा दे रहा है, ईश्वर ही करवा रहा है। तो सिद्धि माने यहाँ पे क्या है? योग्यता, ज्ञान योग्यता के लिए पहले अधिकारी भगवान बनवाएंगे, हमको बनाएंगे, बाद में फिर मिलेंगे। तो कैसे है साधना, कैसे करनी है, येन प्रकारेण सिद्धिं विन्दति। समसिद्धि तो मिलेगी, पर किस प्रकार सिद्धि मिलेगी, किस भावना से अपने अपने कर्मों में रत होना है, देखिए ये जरूरी है ना। तो यत प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अभी क्या है, संसिद्धि मिलेगी, ऐसे पूर्व श्लोक में बताया है ना। सिद्धि माने, बार बार दोहरा रहा हूं मैं आपसे, सिद्धि माने योग्यता, ठीक है। अब कैसे ऐसे, अच्छा अपने अपने कर्म करने से योग्यता प्राप्त मिल जाए, हो जाएगी क्या? नहीं होगी। सीधी सीधी उसी बात है कि फिर कैसे करना है कर्म, हम कर ही रहे हैं स्वकर्म, मगर स्वकर्म भी किस भावना से करनी है ये बताया यहाँ पे। ये न प्रकार है ना, जिस प्रकार से स्वकर्म का अनुष्ठान करने से ईश्वर की कृपा से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए योग्यता हमको मिलेगी, ये बात अभी कह रहे हैं इस श्लोक में। क्या है? यतः यस्मात् प्रवृत्ति ही उत्पत्ति ही, जिस ईश्वर से, जिस मूल कारण से उत्पत्ति और चेष्टा, दोनों बात कही आचार्य जी ने यहां पे। प्रवृत्ति माने उत्पत्ति, जिस ईश्वर से सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ माने जड़ और चेतन पदार्थ, सब जड़मय सृष्टि चेतनमय सृष्टि, जिस प्रवृत्ति माने, जिस प्रवृत्ति माने जिस ईश्वर से ये सब उत्पन्न हुआ, ये हो गए उत्पत्ति ही। और चेष्टा माने सभी प्राणियों की चेष्टाएं, क्योंकि ईश्वर ही सभी के अंदर बैठकर, सबके अंदर बैठकर सभी लोगों को, सभी प्राणियों को चेष्टा करने के लिए चेष्टा करवा रहे हैं एक्चुअली ईश्वर। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कहां से निकलती है? ईश्वर से ही। देखिए तो ईश्वर ही अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं चेष्टा करने के लिए। पंचदश में ये बात स्पष्ट कह दी विद्यारण्य स्वामी, एक जगह पे वे कहते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह आप स्वयं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हम सब अनुग्रहित हुए ईश्वर से, इसका क्या प्रामाणिकता क्या है, प्रमाण क्या है इसका? वे कहते हैं यदि आपका मन पुरुषार्थ में लग गया तो पुरुषार्थ रूप में ही ईश्वर का ही वह प्राकट्य है, ये याद रखना। स्पष्ट विद्यारण्य मुनि ने कह दिया वहां पे कि पुरुषार्थ के रूप में ही प्रकट होते हैं ईश्वर सब में, और कोई ईश्वर सब साधक के लिए पुरुषार्थ के रूप में ही प्रकट होते हैं। हम सबसे करवा रहे हैं ये काम, हमको लगता है कि मैंने सोच लिया, जाना सुना किया, कर्मकांड किया, पूजा पाठ किया, उपवास किया, व्रत किया, और लगातार मैं सुनते आई हूँ प्रवचन। भैया ये आप जो कर रहे हैं पुरुषार्थ, आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही आपने लिए पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति ही, देखिए जिससे प्रवृत्ति सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिससे सब कुछ निकला, उसको मैं पकड़ूंगा। तमेव च आद्यं पुरुषं, आदि पुरुष जो है जिससे सब कुछ निकला है, उन्हीं को मैं, उन्हीं के शरण में मैं जा रहा हूं। प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता, प्रसृता बहिर्गतम आगता, बहिरागता वहां पे बताया। तो इसलिए चेष्टा वा यस्मात् अंतर्यामिनः, चेष्टा कहां से हो रही है? अंतर्यामिनः ईश्वरात्।
हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चेष्टा हम करते आए हैं, कर रहे हैं, वे उसका मूल कौन है? दिल में बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ ईश्वर ही है। हम तो हंदे हैं, तो इसलिए शास्त्र की बात मानना अच्छा है। या आप अनुभव कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष है सबके लिए। हम सबको अपने धर्म के प्रति, धर्म कार्य के प्रति प्रवृत्त करने वाला ईश्वर ही है। और इसलिए जब हम गणेश जी की आरती या प्रार्थना करते हैं, वे कौन है? दुख विघ्न कर्ता, विघ्न कर्ता भी है, कर्ता हर्ता। हम गलत रास्ते पर जाते समय गणेश जी को हमको रोकना है, रोकने का भी उनका काम ही है। एक ही काम लेके बैठ गया, जो जिस रास्ते पर चल रहा है चलने दो, मेरा काम पूरे विघ्नों को निकालना ही है। गलत रास्ते पर जाने से रोकने वाला कौन है फिर? वहां प्रवृत्ति करने वाला ईश्वर ही है, अंदर बैठे हैं। सो यस्मात, जिस ईश्वर से, अंतर्यामी ईश्वर से चेष्टाएं होती है, निकलती आए हैं, निकलती है। और भूतानाम प्राणिनाम स्यात् येन ईश्वरेण सर्वविधम, सभी भूतों प्राणियों का चेष्टाएं जैसे यहां से निकलती, और येन ईश्वरेण सर्वविधम जगत ततम व्याप्तम, जिस ईश्वर से सब कुछ व्याप्त है। जिस ईश्वर ने सब कुछ जगत को व्याप्त करके बैठा है, जैसे आप देखोगे कि इसलिए जब हम ईश्वर की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये होश में रहना है कि ईश्वर ही करा रहे हैं सब कुछ। एक जैसे कि रस्सी में सांप, माने सर्प में जहाँ जहाँ आप सर्प को, आप सबका सर्प का दर्शन कर रहे हैं, कण कण में वह रस्सी व्याप्त है। देखिए, वास्तव में रस्सी को ही देख रहे हैं, मगर सर्प को आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्प में कण कण में रज्जु ही व्याप्त है। हमारे दृष्टि में लोप होने के कारण वहां पे रज्जु के बजाय सर्प का दर्शन हम कर रहे हैं। इसी तरह व्याप्तम ततम येन सर्व, जिस ईश्वर से ही ये सब कुछ व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत है। इसलिए तैत्र उपनिषद में आता है, यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन् अभिशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। इस पर ब्रह्मसूत्र में भी बहुत इसका विस्तार है। यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते ये न जाता न जीवन्ति यत् प्रयम् अभिशम विशन्ति, तो जिससे सारे प्राणी निकले हैं, यतो वा यमानि भूतानि, जिस ईश्वर से सब कुछ निकला है, सभी प्राणी उत्पन्न हुए, और जिस ईश्वर में स्थित है, और जिस ईश्वर में लय हो जाते हैं। तो इसलिए प्राणिनाम स्यात् येन ईश्वरेण सर्वमिदं जगत् ततं व्याप्तं स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की आराधना करें। अच्छा, आराधना करना माने क्या है? स्वकर्मणा तम ईश्वरम अभ्यर्च्य, अपने कर्म माने दूसरे कोई आराधना कोई जरूरी नहीं है, अपना स्वधर्म करते रहो। क्या है? पूर्वोक्तेन स्वकर्मणा माने पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य शूद्र, आप जिस माहौल में जन्म लिए, जन्मतः आपका जो स्वभावज कर्म जो है,
उसी को आप आराधना के रूप में स्वीकार करके ईश्वर की आराधना करें। अद्भुत बात है स्वकर्मणा, ये बहुत अच्छा ये श्लोक है। स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना करके, प्रतिवर्णम तम ईश्वरम अभ्यर्च्य पूजयित्वा, पूजा करके, आराध्य आराधना करके, केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणम सिद्धिम विन्दति, केवल शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ईश्वर की आराधना करें माने हम कर्म करते रहते हैं, बीच बीच में ईश्वर याद आता है, जैसे कि खाना बनाते रहते जब ईश्वर याद नहीं रहता, जब उंगली जल गई अब्बा परमात्मा हे राम, तब याद आता है। सही देखिए, कृष्णा हरे कृष्णा, जब छींक करते परमात्मा अच्छी हे राम करे, अच्छा कृष्णा, जब कुछ ना कुछ होना है तभी ईश्वर याद आता है हमको, जब सब कुछ ठीक है तो ईश्वर याद नहीं आता है। अन्य तो हमारा क्या होशियार, देखिए मैं होशियारी कहता हूँ, सब हम काम कर लेते हैं, बाद में कृष्णार्पणमस्तु कह के छोड़ देते हैं, है ना। बाद में कृष्णार्पणमस्तु करने से कोई फायदा नहीं है, है जो फायदा है मगर करते समय भगवान की याद होनी चाहिए। समझ में आ गया बात, करते समय तभी आराधना हुई। सारे जो सुबह से शाम तक करके भगवान न जाने मैंने क्या क्या किया आज, सब आपको समर्पण कर रही हूं करके सो गए, चार पांच रोटी खा के पेट भर, और रात को बोलते ईश्वर बस तुम्हारी शरण में मैं आई हूं, अब आप ही हमारे मेरे देखभाल देख लीजिए, ठीक है, बाय, गुड नाइट स्वीट हार्ट। नहीं, करते समय उनकी आराधना करनी है, माने निरंतर सावधान रहना है, तभी ईश्वर की आराधना हो पाती है। इसका मतलब यही है ना, माने जो कुछ भी, क्योंकि प्रवृत्ति कहां से निकल रही है, ईश्वर से ही। ईश्वर कहां है, अंतर्यामी के रूप में बैठा है अंदर, पुरुषार्थ के रूप में ईश्वर का ही प्रकटन है, प्राकट्य है वही। इसीलिए तब ज्ञान योग्यता लक्षणम सिद्धिम विन्दति मानवः मनुष्यः, ठीक है। तो कैसे काम करना है, पहला चीज है क्या है, स्वधर्म का अनुष्ठान करना है, दूसरा क्या है, कर्म ही अपना, स्वधर्म ही ईश्वर का आराधना है, ईश्वर की आराधना है ना। बस कैसे करना, काम करने के बाद ईश्वरार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु बोलना नहीं, करते समय होश में रहना है। अब ऐसे आराधना करें, अत्यंत शीघ्र मन शुद्ध हो जाती है, हो जाता है मन और बुद्धि पवित्र हो जाती है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। यतः एवं अतः, ऐसा होने के कारण श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। इसीलिए फिर क्या बात है, तीसरा अध्याय में जो भगवान कह चुके हैं वही बात फिर दोहरा रहा है यहाँ पे। मैंने क्या कहा वहाँ पे, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, पहले लाइन तो पंक्ति तो एक बराबर है, दूसरे में क्या वहाँ पे क्या कहा, स्वधर्मे
निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, वहाँ पे कहा गया। आचार्य शंकराचार्य जी इस भाष्य में भी उसको भी याद कराएंगे हमको, ठीक है। तो मोबाइल स्विच ऑफ प्लीज, स्विच ऑफ द मोबाइल्स, इट इज डिस्टर्बिंग। ऑलरेडी थर्ड मोबाइल आई थिंक टुडे। श्रेयान प्रशस्यतरः स्वधर्मः स्वधर्मः, अपना ही धर्म प्रशस्यतर है, माने श्रेष्ठ है। क्या है? विगुणः, अपने धर्म में कोई लोप हो, विगुण हो। अपि इति अपि शब्दो द्रष्टव्यः, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं श्लोक में, माने अपि शब्द जोड़ना है, श्लोक में नहीं, अपि शब्द विगुण के साथ अपि शब्द जोड़ना है तभी बनती है बात, नहीं तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि विगुण भी हो तो भी कर्म करते रहो, कोई आपको पाप नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं। विगुण कर्म करते रहो ऐसी नहीं, विगुण अपि, अपि में क्या है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कोई लोप है, पूरा पूरा आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि दूसरों अन्य धर्म कई बार हमको करना, अन्य धर्मों का, अन्यों का धर्म का पालन करना कई बार आसान लग जाता है, ठीक है। कई बार हमको कभी शायद सच भी हो कि अपना धर्म स्वधर्म जो है इसमें कई लोप हो सकता है, इसमें विगुण हो सकता है, तो हमको कभी बुरा लगेगा। तो विगुण अधूरा अपि, हमारे कर्म में स्वधर्म में अधूरा भी हो अपना कर्म तो भी उसका पालन करना है। एक अद्भुत उदाहरण आगे देंगे। तो अपि इति अपि शब्दो द्रष्टव्यः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरों के धर्म भली भांति प्रकार से अनुष्ठान करने से, करने की अपेक्षा अपना ही स्वधर्म उसमें विगुण भी हो लोप भी हो उसका अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए महाभारत में धर्म व्याद क्या उनके मन कहानी हमने सुना है, वे तो मांस दुकान चलाने वाला है मगर ज्ञानी है, तो क्या वो अपना स्वधर्म में निष्ठावान थे और ज्ञानी भी थे। तो स्वधर्म को नहीं छोड़ना। विगुण माने कभी कई प्रकार के दोष हो सकता है, जब हल चलाते हैं कई प्राण मर जाते हैं पृथ्वी में भूमि में, तो फिर क्या छोड़ने क्या। हाँ देखिए, घर में भी आप चटनी पीसते हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं, कई कीड़े मर जाते हैं अनजान में, बाद में आके कहेंगे ये सब बातें। तो इसीलिए अपिशब्द अपशब्द द्रष्टव्य है परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, भली प्रकार से अनुष्ठान करने पर भी दूसरों का कर्म परधर्म इसकी अपेक्षा क्या अच्छा है, अपना ही स्वधर्म, ठीक है। लगता होगा किसी लोग, कई लोगों को स्वामी बनकर आराम से प्रवचन देना सुबह शाम बहुत बड़ा आसान सुकून जीवन है, कई लोगों को लगता होगा, बनकर देखो तब पता लगेगा कितना मुश्किल है। सुबह से उठना है, एक महात्मा जी एक जोक भी बताया, हमारे ब्रह्मचारी में बहुत सारे स्वामियों में जोक होते हैं कभी कभी, कोई क्या ना, ये दूसरों के लिए प्रमाण बनकर जीवन जीना इतना आसान नहीं है। तो किसी एक कमेटी में वो ब्रह्मचारी जब था उधर, उनको लोग देखते थे कि ये कितने बजे उठते हैं, माने लाइट चल गया तो उठ गया, तो बेचारा उसका तो कभी कुछ आदत नहीं थी, नए नए ब्रह्मचारी बने पहले 12 बजे तक सोते, नहीं तो फिर ठीक है वो 6 बजे 7 बजे उठता था, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, हाँ सब लोग चाहे चारों थोड़ी उठना जल्दी, तो परिवर्तन आता है, बेचारा वो भी अपना काम कर, उठने के बाद बहुत काम सेवा करते हैं, अपना जीवन भी गुरुदेव को दे दिया, जीवन ही और क्या चाहिए, ठीक है।
और कमेटी लोग कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग कुछ होते हैं, देखते रहते हैं कि कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचारी जी आप 6-7 बजे तक उठते नहीं, वो ये गड़बड़ बात है, ब्रह्मचारी है आप 3 बजे उठने चाहिए। जब मुझे देखो उनको नींद नहीं लगेगी रात को, बुजुर्ग आदमी को बोलते हाँ मुझे देखो 3 बजे उठना है आप। वो परेशान थे तो किसी से पूछा कि और कोई ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से, तो बोले मुझे ये क्या करूं। उन्होंने बोला ऐसे कोई बात नहीं सरल, 4 बजे लाइट ऑन करके सो जाओ। क्या फर्क पड़ता है, अब आराम ही करना है, तुम उठ नहीं सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, उठने के बाद खूब काम करनी है तेरे को, सेवा करनी है, पूजा पाठ करता है, सुबह क्लास लेता है, सब कुछ होता है, ठीक है, एक आदत हो गए हो वो, ठीक है। कहने का मतलब है तो आपको लगता है कि आचार्य बनना स्वामी बनना आसान है, दूसरों का कर्म लगता है मगर आसान नहीं है। कई बार जैसे कि गुरुदेव को देखिए, ये गुरुजी को देखिए, जब तक वे थे जैसे चेयरमैन के रूप में, मिशन हेड के रूप में, कितना घूमते थे बाबा। अब लगता है कि बड़ा मजा लग रहा है, कई बच्चे बालर बच्चे हमसे बोलते हैं अच्छा लगता है ना स्वामी जी आपको, उड़ान चढ़ते हो ऊपर, फ्लाइट चढ़ते हो फ्लाइट उतरते हो, फ्लाइट चढ़ते हो फ्लाइट उतरते हो, मजा आता होगा ना आपको। बच्चे हमारे बालर बच्चे पूछते हैं कई बार आप इधर जाते हो उधर जाते हो, मजा आता होगा आपको। मैं बोलता हूं तुम भी स्वामी बनो तब खूब घूम सकते खूब। तो दूसरों का कर्म आसान सरल दिखता है मगर स्वभाव स्वधर्म करना श्रेष्ठ है। विगुण में भी हो, उसमें विगुण भी हो तो भी श्रेष्ठ है। तिसे स्वभावेन नियतम, स्वभाव नियतम माने स्वभावेन नियतम, स्वभाव से जो नियत, स्वभाव से नियत माने जन्मतः स्वभाव नियतम इति यथा विषजातस्य युवक्रमेह विषम न दोषकरम। देखिए विष है, विष में एक कीड़ा का जन्म हुआ, कीड़े जन्म लिए, वह विष उस कीड़े के लिए हानिकारक नहीं है। देखो एक छोटे से कीड़े विष में जन्म लिया, मैं को जन्म ले सकता हूं, मैं भी विष में घूम स्विम करूंगा। जिस विष के लिए वो हानिकारक नहीं है, इसी तरह विगुण में भी हो, कर्म अपना स्वधर्म विगुण भी हो, उसमें आप जन्म लिए तो उसका अनुकरण करने से, अनुष्ठान के रूप में वह कर्म करने से, जैसे इस कीड़े को विष हानि नहीं करता, इसी तरह अपना स्वधर्म आपको हानि नहीं करता। उदाहरण अद्भुत है कि नहीं, जन्म लिए हैं ऐसे परिवार में, ठीक है भगवान का नाम लो करते रहो। इसीलिए यथा विषजातस्य युवक्रमेह विषम न दोषकरम तथा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम पापम। इसी तरह स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत हुआ जो कर्म को करते हुए व्यक्ति या मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करते, पापी नहीं बनते। ब्यूटिफुल थिंग। इससे क्या चाहिए आपको, दिल को आराम देने वाली बात है ये कि भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जहां जन्म हुआ, आपका जन्म जिस प्रांत में हुआ, जिस परिवार में हुआ, जिस कुल में हुआ, जिस संप्रदाय में हुआ, जिस जिन जिन व्यक्तियों के बीच में हुआ, जैसे आपको स्वभाव से जो स्वभाव नियत कर्म है उसको करते रहो, ठीक है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणः विषजातैव कृमिहि किल्बिषम न आपनोति इति उक्तम परधर्म च भयावहः इति। देखिए याद करा रहे हैं, परधर्मो भयावहः, दूसरों का धर्म करना भयकारक है, हानिकारक भी है भयकारक भी है। तो इसीलिए भयावह इति अनात्मज्ञः च न च नहीं कश्चित क्षणमपि अकर्मकृत तिष्ठति इति। और दूसरी बात है, देखिए दूसरों का धर्म करना परधर्म भयावह भी है और अनात्मज्ञः आत्मज्ञानी जो नहीं है अज्ञानी के लिए बिना कर्म एक क्षण भी रहना असंभव भी है,
तो कर्म को त्यागना इतना आसान नहीं है। तो कर्म वो छोड़ नहीं सकते, तो कर्म को करना ही पड़ेगा। मगर कौन सा कर्म करना है? स्वधर्म स्वभाव नियतम कर्म को ही करना है। परधर्म करने से भयावह है। नहीं, मैं परधर्म नहीं करूँगा, स्वधर्म नहीं करूँगा, ऐसा तुम रह नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम 48 श्लोक पढ़े, 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म माने सहजन्मना, जन्म के साथ उत्पन्न हुआ होता वो जो कर्म, जन्म के साथ उस कर्म को छोड़ना नहीं, ये जरूरी है। ये भगवान का उपदेश है, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी। सब लोग अपने अपना कर्म छोड़ दिया, अन्य कर्म के पीछे पड़ गए, और दूसरों के कर्म भी। इसे सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कोई कुछ नहीं, दिन दुनिया में कोई काम करना नहीं चाहता है। और इसलिए देखेंगे आप, भारत में देखिएगा कितने, अब प्रत्येक 100 लोगों से MBA जो करते हैं उनमें से 20-22 लोग ही नौकरी के लिए योग्यता है उनमें, और बाकी सभी लोग बेकार हैं। और करके क्या करेंगे? फिर कारपेंटर शुरू करेंगे, फैशन ड्राई क्लीनिंग शुरू करेंगे, दुकान खोल के बैठेंगे, नहीं तो कोई एक सफाई का कॉन्ट्रैक्ट का काम करके सफाई वाला उनको नियुक्त करके काम करा के कराते, फिर मैंने क्या करते फिर MBA। इंजीनियर बन गए, बनकर सेल्समैन बनते हैं, क्योंकि सेल करने की इच्छा है, दिमाग लगाने की उनकी संस्कार है ही नहीं। तो सभी को दुनिया में सब लोग बनना चाहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पैसा खूब मिलेगा, मिल गया तो तुम्हारे हिसाब से तुमको महीने में 20,000 देंगे। और मैं भी बीटेक हूँ, वो दोस्त बीटेक है, उसको तो 2,00,000 मिलता है महीने में, फिर जलन होता है अंदर, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि कहीं पर नहीं है। देखिए कैसे चलेगा। जैसे कि मैं भजन गा नहीं सकता हूँ, तो मैं भी सब तैयार हो जाऊँ, एक इंस्ट्रूमेंट लगा के एक बैंड बाजा, कई लोग गायक हैं, मैं भी गायक बनता हूँ। कई लोग हारमोनी प्ले करते, मैं भी हारमोनी कर, रुचि नहीं है, अभिरुचि नहीं है, क्यों क्या करें। समझ आ गया बात। प्रेरणा दे सकते हैं सबको, भाई तुमको बनना है क्या बनो, तो सहजम सहजन्मना यो उत्पन्नम सहजम किम तत कर्म एकौन्तेय। तो जन्म के साथ उत्पन्न हो जो कर्म उत्पन्न होता है उसका नाम सहज, ज मने जन्म लिया, बॉर्न। सहजन्मना एव उत्पन्नम सहजम किम तत कर्म कौन्तेय एकौन्तेय सदोषमपि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत। हर सब कर्म में दोष है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दोष युक्त नहीं है। स्वधर्म हो, परधर्म हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें दोष नहीं है। सब कर्म में दोष है। सदोषम अपि
त्रिगुणत्वात्, किसमें त्रिगुण नहीं है बताइए, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। तो इसीलिए सदोषम अपि, हार में दोष है तो कोई त्याग ना कोई बेकार है। न त्यजेत, कर्म को छोड़ो मत, कर्म करते रहो, जो मिला मिला, हम फलापेक्षक नहीं है इसीलिए कर्म करते रहो। सदोषम अपि न त्यजेत माने आदि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत, सर्वारंभा ही आरभ्यंते इति आरंभा, जो कर्म आरंभ किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, आरंभ कर्म किए जाने वाले जो कर्म उसको कहते आरंभा, सर्वारंभा ही सर्वकर्माणि इति एतत् प्रकरणात्। सर्वकर्माणि, इसमें कोई छुटकारा नहीं है, सब कर्म प्रकरणात्। ये केचित् आरंभाः स्वधर्माः परधर्मा च ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्मकत्वात् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निव आवृताः। स्वधर्म हो परधर्म हो कोई भी हो, सब कर्म में दोष है। क्यों? हेतु क्या है? त्रिगुणात्मकत्वात्। ये त्रिगुणात्मक जगत है, ये सब इस पर सबको त्रिगुणमयी है, इसीलिए सब कर्म प्रत्येक कर्म में दोष है। कैसा है? जैसे आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, धुआं निकलते हैं वहां पे, माने धुआं निकलना सहज है, अग्नि के साथ साथ निकलता है और अग्नि को आवृत कर देती है। इसी तरह कर्म में दोष, जब आप कर्म करते हैं धुआं जैसे ये दोष भी निकलते हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि मेरे कर्म में प्रत्येक एक दोष है, दूसरे कर्म में दोष नहीं है, नो, सब में दोष है। ठीक है, तो इसीलिए सर्वारंभ है दोषेन धूमेन अग्नि इव अवृताः, देखो सदोषमपि न त्यजेत, दोष हो इसमें मगर कर्म को छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना? सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्म अनुष्ठाने अपि दोषात् नैव मुच्यते भयावह च परधर्मः। देखिए, सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्म अनुष्ठाने अपि दोषात्, दोष दोष में आ गया, सहज कर्म, स्वभाव नियत कर्म, सहज कर्म, स्वधर्म कर्म, परित्यागेन माने स्वधर्म को परित्याग करना, परधर्म अनुष्ठाने अपि दोषात्, परधर्म को अनुष्ठान किया, स्वीकार किया, परधर्म करने लगा, उसमें भी दोष है। स्वधर्म को त्याग दिया, उसमें भी दोष है। देखिए, तो इसीलिए न एव मुच्यते भयावह च परधर्मः। और दूसरी बात क्या है? अन्यों का धर्म भय कारण भी है। देखिए, अपने कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी को कर्म करना ही पड़ेगा। स्वधर्म में भी दोष है, परधर्म में भी दोष है, तो इसीलिए स्वधर्म को त्यागने पर भी आप दोषों से रहित नहीं हो सकते हैं और कर्म छोड़ नहीं सकते। परधर्म किया वो भयकारक भी है, उसमें भी दोष है, फिर करना क्या है? फिर न च शक्यते अशेषः त्यक्तुम् अग्नेन कर्मः यतः तस्मात् न त्यजेत् इत्यर्थः। अज्ञानी के द्वारा इन कर्मों को अशेषतः त्यागना संभव नहीं है। ये अंडरलाइन अज्ञानी के लिए। तो अज्ञानी के लिए अशेषतः कर्म को त्यागना असंभव है, इसीलिए कर्म को त्यागने के लिए मना किया। ये कर्म का त्याग मतलब क्या है? कर्मणि अकर्मय पश्येत,
कर्म जारी है, जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ होते रहते हैं, मगर आत्मस्थ होने के कारण वे अपने आप के अंदर ये पहचान लिया, मैं निर्गुण निराकार वस्तु आत्म वस्तु हूँ, मुझ में कोई स्पंदन नहीं है, मैं सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, चंचल नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूँ जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। ऐसा अनुभव से सिद्ध होने पर वे अहंकार से अलग हो गया। फिर अहंकार दिख रहा है जैसे कि जला हुआ रस्सी जैसे, आकृति बनी रही है मगर अंदर कोई सार नहीं है। यही उदाहरण महात्मा लोग दोची को है। और व्यवहार चल रही है, कैसे व्यवहार चल रहा है, जैसे कि स्विच ऑफ कर दिया, बिजली पंखा घूम रही है, आपने बिजली का स्विच जो है वो ऑफ कर दिया, फिर भी कुछ देर समय तक पंखा घूमती है, क्यों? उसमें कुछ कर्म गति बाकी है, वहां पे कर्तृत्व भाव नहीं है। इसी तरह जब तक शरीर है तब तक ये कर्म चलता रहेगा, मगर उसमें महात्मा जी अपने अहंकार से निवृत्त हो गए, उनमें अहंकार नहीं है, व्यवहार के जो दिखता है वो सच नहीं है, वो आभास है, और उससे वो तादात्म्य नहीं करता, कर्मों से शरीर से मन बुद्धि से अहंकार से परे हो गए, तो वे अपने आप में स्थित है, अपने आप में आत्मस्थ हो गए, इसीलिए उनको ज्ञानी के लिए ये कर्म त्यागना संभव है। प्रायः अज्ञानी है हम सब दुनिया में कहीं एक दो निकलता है, बहु नाम ज्ञान जन्म नाम अंत ज्ञानवान, कोई एक एक निकलता है, नहीं तो वास्तव में सभी लोग अज्ञानी लोग हैं, इसलिए कर्म छोड़ना असंभव, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना असंभव है, पहला छोड़ नहीं सकते कर्म को, ये बात हो गए। अब से लेकर के अब पेज घुमाइए कुछ कुछ, एक दो, ये सब फिर आपको सुनने की इच्छा है क्या या नहीं, तो हम पार करें क्या? ठीक है, आपकी नसीब ठीक नहीं है इसीलिए मांग रहे हैं सुनने के, चलो ठीक, सुनो बेटे सुनो, क्या कर सकता हूँ। किम अभी किम अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत, किम वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति। अच्छा, आपने कहा, अब ध्यान से सुनिए, अब आप बगल में पढ़ो मत, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये पढ़ना आप घर जाके आप टाइम पास के लिए पढ़िए, नींद नहीं लगी तो पढ़ लीजिए, अब मेरी बात सुनिए ठीक है। आपको मैं दो विकल्प दे रहा हूँ, या तो मेरे शक्ल देखे मैं तो आँख बंद करके सो जाइए, मगर इसको नहीं पढ़ना, यहाँ यह विचार करना चाहिए कि क्या कर्मों का अशेष त्याग होना असंभव है इसलिए उनका त्याग नहीं करना चाहिए, अथवा सहज कर्म का त्याग करने में दोष है इसलिए, समझ आ गए? अब सुनिए, अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है, आप तो कह रहे हैं कि कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों त्यागना नहीं चाहिए कर्म को? मैं आपके सामने दो विकल्प रखता हूं, ये पूर्व पक्ष का ये है, क्या है इसमें? अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म, अशेषतः कर्मों को त्यागना संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया कि कर्म को छोड़ो मत, पूर्ण रूप से कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा गया छोड़ो मत कर्म, छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो इसलिए कहा गया छोड़ो मत, या नहीं तो किम वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति, या नहीं तो सहज कर्म को त्यागने में दोष लग जाता है इसीलिए कहा गया कि कर्म को छोड़ो मत, ठीक
ठीक है। कर्म को अशेषतः त्यागना संभव नहीं है, इसलिए कहा गया क्या कर्म को त्यागना नहीं, या नहीं तो सहज कर्म को त्यागने से दोष लगता है, इसीलिए कहा गया क्या कर्म को छोड़ना नहीं। किंच अतः, ये सिद्धांतिक काउंटर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप ना, ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष वो अलग अलग छोड़ दीजिए उसका पूरा, ये काउंटर ऑब्जेक्शन भाई सिद्धांती। सिद्धांती पूछ रहे हैं कि किंच अतः, इसमें क्या बिगड़ता है तुम्हारे, इसमें क्या है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, इसमें क्या सिद्ध होता है इससे, मुझे समझ में नहीं आ रही इस प्रश्न का आंतर ये क्या है। मैंने समझ में आया है मगर फिर भी पूछ रहे हैं इसमें क्या सिद्ध होना है, तो क्या बात है इसमें कि सहज कर्म है, सहज से माने सहज कर्म हो, ज माने जन्म, जन्मतः जो उत्पन्न हुआ कर्म के कारण, उस ऐसा सहज कर्म को स्वभाव नियत कर्म को त्यागने से दोष लगता है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। यानी तो कोई भी व्यक्ति अशेषतः पूर्ण रूप से कर्मों को त्यागना असंभव है कि नहीं लग हो सकता उनके किसी के द्वारा, इसीलिए कहा गया कर्मों को त्याग, इसमें ऐसा प्रश्न जो पूछा है किंच अतः, तो क्या है इसमें। अब पूर्व पक्षी समझा रहे हैं, कह हैं यदि तावत, इसमें ये बात है, अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न चाज्यम सहजम कर्म एवं तरहि अशेषतः त्यागे गुण एव स्यात् इति सिद्धं भवति। यदि तावद् अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति, देखिए यदि कर्म को पूर्ण रूप से अशेषतः त्यागना असंभव ही है, कोई छोड़ नहीं सकता कर्म पूर्ण रूप से, कर्म करना ही पड़ेगा, कंप्लीटली नोबडी कैन रिनाउंस एक्टिविटीज और एक्शन, इसीलिए न चाज्यम सहजं कर्म, इसीलिए सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि पूर्ण रूप से अशेषतः अशक्यम इति त्यक्तुम, अशेषतः कर्म त्यक्तुम अशक्यम होने, अशक्य होने के कारण सहज कर्म को नहीं छोड़ना है, तब एवं तरही, ऐसा अभी हम मानने से स्वीकार करने से अशेषतः त्यागे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कोई निकला जो अशेषतः कर्म को त्यागना असंभव होने पर भी, ऐसा कोई एक उस्ताद निकला, पहलवान निकला जिसने सभी कर्मों को त्याग दिया, तो वो गुण ही है, गुण माने इट इज ए मेरिटोरियस थिंग, गुण ही है स्यात् इति सिद्धं भवति। कोई त्याग सका जो, जैसे कि सागर का जल कोई पी नहीं सकता पूर्ण रूप से, पूर्ण को सागर को, ऐसा ही तो ये प्रसिद्ध है, मगर अगस्त्य जी ने पी के दिखाया, तो अगस्त्य जी के पी के दिखाया, इसी तरह जैसे अगस्त्य जी जो नहीं संभव है वो संभव करके दिखाया, इसी तरह कर्म अशेषतः त्यागना असंभव है, तो भी किसी ने एक उस्ताद आकर एक कोई व्यक्ति कर्म पूर्ण रूप से त्याग कर दिया हो तो ये गुण है सिद्धं भवति, ये तो सिद्ध हो गया, ये तो एक गुण ही है, ठीक है। अभी और आगे कहां कहां ले जाएंगे पता नहीं, देखिए फिर काउंटर ऑब्जेक्शन, सत्यम, आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम, तुमने जो सही कहा, क्या है, एवं अशेषतः त्यागे एव न उपपद्यते इति चेत, मैं कर्मों को पूर्ण रूप से अशेषतः त्याग एव उपपद्यते इति चेत, यदि मैं ये कहूं कि पूर्ण रूप से कोई कर्म त्याग नहीं कर सकता, हाँ क्यों, अभी दो सिद्धांत हैं अभी प्रस्तुत करते हैं, देखिए सत्यम, तुमने जो कहा सत्यम, ये ठीक है। यदि मैं कहूं कि कर्मों को पूर्ण रूप से त्यागना ही असंभव है, न उपपद्यते इति चेत, संभव ही नहीं है पूर्ण रूप से कर्मों को त्यागना असंभव है, तो हमारे पक्ष में दो तीन सिद्धांत आ जाते हैं,
जिन सिद्धांतों के अनुसार कर्म यदि आप कहोगे पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते, इसका मतलब कब यह संभव है, कब यह संभव है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि कर्म कभी भी पूर्ण रूप से त्यागना असंभव। यदि आप ऐसे कहोगे ये कब संभव होता है, किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषः यथा सांख्यानां गुणाः। जैसे यदि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव है, माने हमेशा चंचल में है आत्मा, जैसे सांख्यों की गुणा है, गुणास जैसे गुण है उनके सत्व रजस तमो गुणाः, वे तो नित्य प्रचलित स्वभाव है, हमेशा चंचल में रहते हैं, कभी साम्य स्थिति में नहीं रहते, साम्यावस्था में हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे विकार होते रहते, सत्व रजस तमो गुणों में विकारवान है, कभी भी साम्य स्थिति पर नहीं पहुंचते, हलचल मचते रहते उसमें, ठीक है। तो किम अभी पूछ रहे हैं, तो क्या सांख्यवादियों के जैसे, सांख्यानाम जैसे, यथा सांख्यानाम आत्मा नित्य प्रचलित प्रचलितात्मक, आत्मा भी नित्य प्रचलित स्वभाव वाला है, तब कर्म को त्यागना संभव है, संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही नित्य प्रचलित स्वभाव माने हमेशा चंचल वाला है। कौन? आत्मा। आत्मा का स्वरूप ही चंचल है, तब कर्म को त्यागना असंभव। ठीक है, किम वा या नहीं तो क्रिया एव कारकम यथा बौद्धानां पंचस्कंदाः क्षणप्रध्वंसिनः उभयतापि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति। दूसरा क्या है, तो सांख्यवादियों के अनुसार जैसे गुणों के जैसा, जैसे गुण हैं, गुण हमेशा बदलते रहते हैं, कभी साम्यावस्थिति पर नहीं पहुंचते, इसी तरह आत्मा भी चंचल वाला, चंचल स्वभाव वाला ही हो तो कर्म को त्यागना असंभव, क्योंकि कैसे कर्म को त्याग कर सकते हैं, वो खुद ही कर्म कर रहा है, नित्य क्रियावान बन गया। तो ये संभव नहीं है। मैंने क्या कहा, कब ये संभव है, कौन सा क्या संभव है, कर्म को त्यागना बिल्कुल नहीं होता, ये कब संभव है, यदि आप मानोगे कि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव वाला है तो कर्म को त्यागना संभव नहीं है। या नहीं तो बौद्धों के, बौद्ध के सिद्धांत के अनुसार, अभी बौद्ध के सिद्धांत आपको समझाना है, मैं भी मास्टर नहीं हूं बौद्ध बौद्ध सिद्धांत में, मगर जो जितना ज्ञान हम इस विषय को पढ़ने के लिए चाहिए वो जरूरी है। बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत में क्षणिक विद्वान विज्ञानवादी है, क्षणिक विज्ञानवादी, उनके सिद्धांत में क्या है, किंवा क्रिया एव कारकम। अब इसको समझना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बौद्ध सिद्धांत का संस्कार हमारे में नहीं है, जैसे पूर्व मीमांसा का संस्कार हम में नहीं है, उत्तर मीमांसा का संस्कार वेदांत थोड़ा है, व्याकरण संस्कार हमें नहीं है, ज्योतिष शास्त्र संस्कार नहीं है, जैन मत सिद्धांत संस्कार नहीं है, सांख्य मत सिद्धांत संस्कार थोड़ा है बहुत नहीं है, सिर्फ बौद्ध मत का ये क्या सिद्धांत है, पर उसको सोचना, क्योंकि भगवान कहते हैं यथा बौद्धानां पंचस्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः, सब बौद्धों के जैसे उनके सिद्धांत के अनुसार भी पूर्ण रूप से कर्म को त्यागना असंभव है उनके सिद्धांत के अनुसार। त्रिगुणात्मकम सांख्य सिद्धांत के अनुसार रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तीन गुण है,
वे हमेशा नित्य प्रचलित है, स्वभाव वाला है। तो आत्मा भी नित्य प्रचलित स्वभाव वाला हो तो कर्म को त्यागना असंभव है। अब बौद्ध सिद्धांत क्या है? बौद्ध मत में क्रिया कारक, क्रिया माने एक्टिविटी, कारक माने एजेंट कर्ता, क्रिया कारक और कारण भेद नहीं है इसमें, कोई भेद नहीं है। क्रिया कारक और कारण में भेद नहीं है। क्षणिक विद्वानवादी विज्ञानवादियों के अनुसार इन तीनों में भेद नहीं है। फिर वे क्या कहते हैं? पंचस्कंदाः, पंचस्कंध में क्या है? पांच स्कंध है, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, ये पांच चीजें हैं। वे कहते हैं ये पांच चीजें जो भी हैं ये क्षण प्रध्वंसी हैं, ये पांच, और ये पांच के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कर्म को त्यागना संभव नहीं है, माने ये हमेशा है मगर हमेशा चलन स्वभाव वाला है। ये पांच स्कंध क्या है? इसलिए भगवान यथा बौद्धानाम पंचस्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः, ये पांच जो स्कंध है ये हमेशा के लिए लगातार माने क्षण प्रध्वंसी, जन्म लेते ही मर जाते हैं, क्षण प्रध्वंस विध्वंस। इसमें क्या है? पहला बात है रूप, उनके शास्त्र के अनुसार विषय और इंद्रिया ये दो रूपस्कंद है, विषय और इंद्रिया रूपस्कंद, पांच स्कंद है एक रूपस्कंद है। दूसरा है आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान, ये एक दो विज्ञान है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। इसका जो प्रवाह है आलय विज्ञान का प्रवाह प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह को ही विज्ञान स्कंद कहते हैं। फिर आलय विज्ञान क्या है? मैं, ये अहम रूपी मैं रूपी विज्ञान ही आलय विज्ञान कहते हैं, और इस विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है, और आत्मा कोई नहीं है, जो नोवर है दिख जो जान रहा है ना वो बदलते जा रहा है वही आत्मा है, और कोई स्थाणु के रूप में परिवर्तन रहित आधार अधिष्ठान के रूप में कोई आत्मा नहीं है, वो क्रियावान ही आत्मा है। तो क्रिया कारक और कर्ण भेद नहीं है। इसलिए जो मई रूपी विज्ञान, मई अहम रूप विज्ञान है, मैं हूं यह विज्ञान है, मगर वो मई बदलता रहता है और उसी को कहते हैं आलय विज्ञान, इसके अलावा और कोई आत्मा नहीं है। जो सब में मैं 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 का अनुभव हो रहा है वो मैं क्या है? मैं का प्रवाह है, वही आत्मा है। जो अहम मैं के पीछे शुद्ध चैतन्य रूप में आत्मा एक है उसको नहीं मानते, ये मैं का प्रवाह ही आलय विज्ञान और इस विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है मैं का। फिर इदम भी है ना, अहम इदम भी है ना, मैं यह जो यह कहते हैं इदम, अहम में मई का रूप मई का स्वरूप मई का प्रवाह ही आलय विज्ञान है, और इदम का स्वरूप माने ईश्वर प्रवाह यह नामक विज्ञान, ये विज्ञान यह भी भास रहा है ना, एक अहम रूपी विज्ञान दूसरा यह रूपी विज्ञान, दिस यह रूपी विज्ञान उसका प्रवाह ही प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। ये दोनों क्षण प्रध्वंसी, जिस क्षण जो मैं में कौन सा विज्ञान हो रहा है, मैं चेयर का कुर्सी का दृष्टा हूं, वो कुर्सी का दृष्टा का जो मैं है वो जन्म लिया और तभी अंतर्धान हो गया और दूसरा वस्तु आ गया उसके साथ साथ और दूसरा मैं प्रकट हो गया,
ये मई का प्रवाह जो है वही आत्मा है और कोई आत्मा नहीं है। इसलिए मैंने बोला हूं, इसलिए मैंने बोला हूं कि मैं छोड़ देता हूं। और भी आगे और भी कठिनता है। शुरुआत करने के बाद मैं कैसे छोड़ूं? कभी कभी आपको भी लगना चाहिए कि अच्छा मेरे ज्ञान से भी ऊपर और कुछ है। तो ये है दूसरा हो गया। प्रथम स्कंद क्या है? रूपस्कंद। तो दूसरा क्या है? आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान, उसका प्रवाह ही विज्ञान स्कंद कहते हैं। तो यह जो है ना, ये बदलता है, वस्तु बदल रहा है, ये इस ज्ञान का प्रवाह है। और तीसरा क्या है? रूपस्कंद और विज्ञान स्कंद के बीच में संबंध है, मतलब विषय वस्तु और यह और मैं के बीच में जो संबंध है, वो संबंध के कारण सुख दुख का अनुभव हम करते हैं। इस सुख दुख अनुभव का प्रवाह को ही वेदना स्कंद कहते हैं। वेदना फीलिंग, ये फीलिंग भी परंपरा एक है। वो फीलिंग भी क्षण प्रतिबिंब से ये प्रवाह है, मई का प्रवाह है, यह का प्रवाह है, संबंध जो वेदना उत्पन्न होता वो भी प्रवाह है। अच्छा, गौ इत्यादि संज्ञा के कारण, संज्ञा के कारण जो विज्ञान बहती है, इसे ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान जो बहती है उस ज्ञान का प्रवाह को संज्ञा स्कंद कहते हैं। यह भी बदल रहा है, क्यों? ज्ञान बदलता है कि नहीं? विषय का ज्ञान बदल रहा है, संज्ञा बदल रही है। ये भी विज्ञान स्कंद, मीन ये संज्ञा स्कंद है। और राग और द्वेष आदि क्लेशों को, मद मान आदि उपक्लेशों को, धर्म और अधर्मों को संस्कार स्कंद कहते हैं। इन सबके कारण संस्कार बन रहा है, संस्कार बदल रहा है। तो आत्मा करके कोई शाश्वत रूप से कोई है ही नहीं, सब कुछ बदल रहा है। या सब कुछ क्रियावान ही है, तो क्रिया कोई आप करने वाला करता, मैं अलग हूं, अहंकार अलग है, अहंकार करा रहा है, मैं इसका साक्षी हूं, ऐसा कोई है ही नहीं, साक्षी कुछ नहीं है। तो क्षण प्रध्वंसिना उनके सिद्धांत में भी यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कर्म को त्यागना संभव नहीं है। सांख्यों के सिद्धांत में भी संभव, पूर्ण रूप से कर्म को त्यागना संभव, क्योंकि बौद्ध के सिद्धांत में त्यागने वाला और कोई है ही नहीं, नहीं त्यागने वाला है, हो तो तक त्याग सकते हैं ना, तो त्यागने वाला है ही नहीं, क्रिया ही करता है वहां पे। कारक है, क्रिया ही कर्ता के रूप में, कारक के रूप बैठा है। ठीक है, तो अब देखिए, ये कर्म को त्यागना है, किसके लिए संभव है, ये है बात। और कर्म का त्याग, कर्म को त्यागना मतलब क्या है? तो सांख्यों के मत में नहीं हो सकता, बौद्धों के मत में भी ये नहीं हो सकता। अब तीसरे पक्ष वाला आ गया, तीसरा पक्ष वो वैशेषिक है। तो ये महात्मा जी आएंगे, आपको और भी कंफ्यूज करेंगे, मजा आएगा, और आपके चेहरे देखने में और मजा आ रहा है। आप देखिए, न्याय वैशेषिक सिद्धांत इतने, आठ गुण बताते हैं, आठ गुण, आत्मा भी एक पदार्थ है वैशेषिक में, आत्मा भी एक पदार्थ है, अपने आप सिद्धांत है, कणाद ऋषि दिए कणाद। तो ये सारी सृष्टि को विशेषताओं को लेकर के अलग 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 करके दे एन्यूमरेटेड सम तत्व प्रिंसिपल्स एटम्स, उसमें पूरा भी हम गंभीर इतना पूरा नहीं जाएंगे, जहां पे भाष्य में जितना तक पढ़ाया वहां तक हम देखेंगे। तो पूरे सिद्धांत को पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो अभी तक क्या पता चला?
यही पता चला, लगा समझ में आया कि सांख्यों के सिद्धांत के अनुसार जिसमें आत्मा ही नित्य प्रतिल स्वभाव वाला हो तो कर्म को त्यागना संभव है नहीं है, और बौद्ध पंचस्कंदों के सिद्धांत के अनुसार क्षण प्रध्वंसी के कारण उभयता अपि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति। इन दोनों सिद्धांतों में कर्म को पूर्ण रूप से त्यागना संभव नहीं है। अच्छा, अयं तो अयम अथ तृतीय अपि पक्षः, अभी तीसरा आ गया, तीसरा पक्ष वाला वैशेषिक, वो कहते हैं, वे अपने सिद्धांत प्रकट सामने रखते हैं। क्या रखते हैं? वे कहते हैं ये संभव है आत्मा को पूर्ण रूप से माने कर्म को त्यागना संभव है, मगर उनके सिद्धांत अजीब है। वे कहते हैं तृतीय अपि अथ तृतीय अपि पक्षः, यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव। आत्मा क्या है? जब आत्मा कर्म करता है तब वो क्या है? सक्रिय होता है। आत्मा जब काम नहीं करता वो निष्क्रिय है। तो कभी सक्रिय कभी निष्क्रिय होने के कारण कर्म को पूर्ण रूप से त्यागना संभव है इस सिद्धांत में। इनके मत के अनुसार आत्मा बदल रही है, मगर कभी निष्क्रिय है कभी सक्रिय है। हाँ जी, कर्म त्याग दिया तो निष्क्रिय हो गया, कभी छोड़ता है, कभी करता है तो सक्रिय है, कभी नहीं करता है तो निष्क्रिय है। तो यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव। तत्र एवं सति शक्यं कर्म अशेषतः त्यक्तुम्। तो इसमें हमारे सिद्धांत वैशेषिक कहते हैं, तो इसमें कर्म अशेषतः त्यागना, कर्म को त्यागना संभव है, हो सकता है। मगर इस तीसरे अयम तो अस्मिन् तृतीय पक्षे विशेषः न नित्य प्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकम्। इसमें क्या है? उनके मत के अनुसार जो आत्मवस्तु है सांख्य के जैसे नित्य प्रचलित वस्तु नहीं है, नित्य बदलता हुआ न, कॉन्स्टेंटली मूविंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आत्मा, जो कॉन्स्टेंसी इन आत्मा। आत्मा क्या है? नित्य प्रवाह, कि गंगा जी से नित्य प्रवाह, जैसे नित्य प्रवाह नित्य प्रचलित वस्तु। इस सिद्धांत में क्या है? अभी तो अस्मिन् तृतीय पक्षे विशेषः, इसमें विशेष क्या है? न नित्य प्रचलित वस्तु न अपि क्रिया एव कारकम्। बौद्ध मतों के अनुसार क्रिया ही कारक है, वहाँ पे क्रिया और कारक और कर्ण सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। आत्मा कोई है, अलग से चीज नहीं है। क्षण प्रध्वंसी, वो घूम रहा, चक्कर घूम रहा है, उसको खत्म कर दिया तो शून्यवादी। इसमें भी कुछ रहस्य है सिद्धांतों में, ठीक है, अब अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, अभी आपका दिमाग गर्म होते जा रहा है और आगे भी कर देंगे। जस्ट लिसन, वी विल सी लेटर ऑन। किम तरही व्यवस्थिते, हाँ, न अपि क्रिया एव कारकम्। किम तरही, फिर क्या है? व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है? व्यवस्थिते द्रव्ये, व्यवस्थित द्रव्य अविद्यमान क्रिया उत्पद्यते। अविद्यमान क्रिया एक द्रव्य में, एक द्रव्य है कि आत्मा द्रव्य ही है, द्रव्य पदार्थ ही है, तो एक पदार्थ है उसमें जो अचानक उसे कोई कुछ क्रिया निकलती है, मगर क्रिया का कारण कुछ नहीं है। विशेष सिद्धांत है। तो क्या है? व्यवस्थित द्रव्य अविद्यमान क्रिया, जो पहला क्रिया नहीं थी, कारण के रूप में होना चाहिए ना क्रिया, जो पूर्व में पूर्व स्थिति में इस जिस वस्तु में कोई कर्म नहीं है, कार्य नहीं था, जिसमें जो नहीं था पहले वो प्रकट हो गए,
पौरुषेति का अभी हम कल आगे कल भी इसका विस्तार करेंगे। तो व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। तो पहला जो नहीं था उत्पादन हुआ, फिर उससे कुछ भी नहीं होता, फिर वो नष्ट हो जाता है और कुछ बन जाता है, इनके सिद्धांत है। तो आत्मा से क्रिया उत्पन्न होती है, इसके पूर्व क्रिया की उत्पत्ति के पूर्व क्रिया एक कारण के रूप में मौजूद होना चाहिए ना पूर्व स्थिति में, वे उस स्थिति को मानते नहीं। जैसे मिट्टी से घट निकला तो हम क्या मानते हैं, घट का पूर्व स्थिति क्या है, इसकी पूर्व स्थिति मिट्टी थी, तो मिट्टी में घटता, तो ये कुछ सिद्धांत मानते नहीं। वो अचानक आया है माने एक उसके प्रकट हुआ, मगर ये मिट्टी में घट नहीं था, मिट्टी घट का प्राकट्य एक नया नई सृष्टि है। बहुत तत्ववेत्ता लोग बहुत चिंतन करके करके मंथन करके 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 आखिर में अद्वैत में सब कुछ मिल जाता है। तो अद्वैत के सामने और फिर भी और भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है अद्वैत सिद्धांत को। तो विद्यमाना च विनश्यति माने ए नॉन एग्जिस्टिंग एक्शन ओरिजिनेट्स इन एन एग्जिस्टिंग थिंग। देखिए दैट इज अ थिंग, इसमें क्रिया नहीं थी, वो एक पदार्थ है, इसमें से नॉन एग्जिस्टिंग एक्शन निकलती सडनली उससे। शुद्धम द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इति एवं आहु काणादाह तदेव च कारकम इति। नौ ये भी इसका कल हम देखेंगे, अभी क्योंकि टाइम लगता है। अस्मिन् पक्षे को दोष इति देन बागे हम कल देखेंगे, कणाद में भी वैशेषिक में भी कोई दोष है तो इसमें पूर्व पक्ष इसमें क्या दोष है। तो ये तीनों सिद्धांतों को काटते हुए निराकरण करके फिर वास्तव में भगवान की लाभ भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इसका आंतर्य क्या है, निष्कर्म सिद्धि, कर्म कब त्यागना संभव है, तो अविद्या आरोपितम फिर कौन है, ये सब कुछ समझा के बाद में सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।